दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग में बुधवार को विजय दिवस के अवसर पर भविष्य के युद्धों के संदर्भ में भारत की रक्षा तैयारी के संबंध में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के शिक्षक गणों एवं छात्र छात्राओं द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि भारत ने सभी युद्धों में यह साबित किया है कि भारत के पराक्रम में कोई कमी नहीं है। वहीं विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा ने ऐसे कार्यक्रमों में छात्रों को सहभागिता के लिए प्रेरित किया तथा रक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं से नई चीजें सोचने, भविष्य के बारे में सोचने, सुझाव पत्र लिखने का अनुरोध किया, जिससे विषय और देश का हित हो सके। इस दौरान प्रोफेसर सतीश चंद्र पांडे, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर आरती यादव, डॉक्टर विजय कुमार, परास्नातक के छात्र छात्राओं तथा शोध छात्र छात्राएं संगोष्ठी में मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा ने कहा, लेकिन ये एक बड़े कोशिश का आरम्भ है। ऐसा काम करेंगे, ऐसा सिलसिला बना लेंगे कि इस डिपार्टमेंट का नाम भी बहुत ऊंचा होगा और आप सबका भी ऊंचा होगा। आप लोगों को बहुत बहुत और निर्देश का हम तो जितने प्रयास करेंगे कि पालन हो, क्योंकि हम लोग भी सीखने की प्रक्रिया में ही है। बहुत कुछ आपसे जो संगोष्ठी रखी गई, जिसका उद्देश्य सर ने अभी संदर्भित किया कि आज भी हम लोग आपको सुनेंगे। अगर हम इसके गहराइयों में जाना शुरू कर दें तो पहले तो यही तय करना मुश्किल है कि वर्तमान परिदृश्य में हम किस समय सीमा को रखते हैं। तो चूंकि अभी मित्र शुभम जी ने उन चीजों को बताया कि क्या क्या चीजें भारतीय सेना में शामिल हुई हैं, तो अगर देखा जाए कि वर्तमान में भारतीय सेना की रक्षा तैयारियां, तो दो चीजें जो प्रमुखता जो है इसमें हम समझते हैं कि रक्षा तैयारियों में क्या हो सकती है। पहली चीज है कि जो युद्धाभ्यास होते हैं भारतीय सेना के अन्य देशों के साथ, वो दूसरी चीज है हम किन नई तकनीकों का समावेशन अपनी सेना के साथ करते हैं। तो अभी तो उन्होंने बताया कि क्या किन किन चीजों का समावेशन किया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि युद्धाभ्यास जो जैसे कि इंद्रधनुष अभ्यास हुआ है, ये भारतीय वायुसेना ने कंडक्ट किया है। ये भारतीय वायुसेना और ब्रिटिश रॉयल नेवी जो है, सॉरी ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुआ है इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। इसका जो विषय था बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन। आप विषय को देखें तो ये इस विषय पर आधारित था कि किस तरह से हम अपने बेस को डिफेंस करें। किसी भी अगर हम कहीं भी वायु क्षमता हासिल करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो हमारा जो बेस है। यदि बेस ही हमारा आधार ही वहां से हम खत्म कर दें तो ना हमारी जहाजें उड़ सकती हैं, ना हम एयर क्षमता को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो समय समय पर युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं, इससे हम दूसरे देश की तकनीकों को किस तरह से हम दोनों देशों का समावेशन कर सकते हैं, यदि कोई स्थिति ऐसी आती है आपात स्थिति, हम किस तरह से उनके सहयोग से स्थिति को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हुआ है अजय योद्धा 2020 में, ये थल सेना का रहा है। इसमें चूंकि परिदृश्य बदल चुका है समाज का, अब अधिकतर परिदृश्य क्या है, अर्ध शहरी और शहरी, और हमने जो इधर देखा है कि विद्रोह जो होते हैं ये अब अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में अधिक होते हैं। तो किस तरह से हम इन विद्रोहों को नियंत्रित कर सकें, किस तरह से हम आतंकवाद को शहरी अर्ध शहरी में क्षेत्रों में रोक सकें, इसके लिए यूनाइटेड किंगडम और भारतीय सेना ने जो है साझे तौर पर इन चीजों को समझा है। प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा, विभागाध्यक्ष रक्षा अध्ययन विभाग। 1971 में आज ही के दिन भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेनाओं ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी और उसके बाद बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भारतीय आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें भारतीय सेनाएँ पूरी ताकत से लड़ी और उन्होंने ये साबित किया कि वो अकेले भी मानचित्र के नक्शे पर एक नया देश बना सकने की हैसियत रखती हैं। वो इतनी ताकतवर, इतनी सक्षम हैं। भारतीय सेना के इस गौरव गाथा के आज 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष में विजय दिवस पर ये कार्यक्रम है, जिसमें कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग कि भारतीय सेनाओं की जो वर्तमान तैयारियाँ हैं, क्योंकि इस समय भी हम लोग बहुत तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इस समय उन चुनौतियों के मद्देनज़र हमारी तैयारी कैसी है, हमारी सेनाएं कितनी सक्षम है, इसको आज हम लोग इस संगोष्ठी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संगोष्ठी में विशेषज्ञों के साथ साथ शोध अध्येता और विद्यार्थी, इनको प्रेरित किया गया है कि ये क्या समझते हैं चीज़ों को, अपना विचार रखें। तो ये एक तरह का क्षमता निर्माण भी है कि नए विद्यार्थी भी इस पूरे विषय में केवल सुने ना बल्कि बोलें भी।